वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो गाड़ी तो अपनी वापस आ गई, पर बहुत क्लेश हो गया वहाँ पे। पहली बात तो इंश्योरेंस कंपनी से भी मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। उन्होंने, उनका एजेंट जो था, बहुत ढीला काम करता है। एक हफ्ते तक तो उसने कंपनी को बिल ही नहीं दिया है मेरा। जो ड्यू बिल हमारी अमां ने उसको दे दिया था कि कस्टमर से हमें क्या लेना है, जल्दी से कराओ। वो भाई बहुत ढीला। दूसरा, यहाँ से भी मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। तो अभी पहले मैं आपको गाड़ी देख लीजिए आप कि क्या क्या उसमें नए पार्ट्स पड़ गए, फिर मैं आपको सब बताता हूँ। चलिए, हमारा कार्ड ठीक है, उसे हम ये लगवा देंगे। तोड़ दिया था कंपनी वालों ने, पता नहीं कैसे काम करते हैं। और ये टेढ़ा हो गया था, मैं फ़ोटो में अटैच कर दूंगा। तो इसका बस वो क्लिप टेढ़ी हुई है, हम उसे अभी सीधा करा देना है, बाकी ये सलामत है हमारा। और ये कंपनी आप देख सकते हैं क्या ढीला काम करते हैं, ये तोड़ के दिया है मुझे। अब अगर आप इसे लेने आएंगे नया, 400-500 का पड़ेगा, बट सही काम करते हैं ढीला भाई ये लोग। बाकी ये गाड़ी खड़ी है, आप देख सकते हैं गाड़ी ऑलमोस्ट पूरी सही हो चुकी है, कुछ नहीं बचा उसमें सही कराने को। मैंने इसका प्रोजेक्टर वगैरह जो सब टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था सब सही करा दिया। उसमें ये नया पड़ गया, पीछे की कैप नहीं पड़ी है वो वाली, और ये वाली सही से दिखा देता हूँ आपको, ये और ये नहीं पड़ी है, उसे हम अभी रिपेयर करा देंगे, वो सही हो जाएगा। और ये स्विच केबल नया पड़ा है, ये पूरा ही नया पड़ा है फेंडर। और ये मास्क, मतलब इसे मास्क वन कहते हैं, मास्क टू कहते हैं। और इसके नीचे का पूरा जो जिसपे ये पूरा बैठा होता है स्टे, उसका हैंडल स्टे, वो भी पूरा नया पड़ा है। हैंडल नया पड़ा है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये। बिल्कुल भी अब गाड़ी में कोई कमी तो नहीं है। बाकी शोरूम वालों ने क्या क्या किया है वो मैं आपको एक जगह बाद में, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँगा, मेरी गाड़ी की टंकी फुल थी, मैं यहाँ पर आपको एक क्लिप ऐड करता हूँ, ये देखिए। इससे मैं फुल दिखा रही है टंकी, तो मेरी टंकी फुल थी और मुझे शोरूम से आज मिली है, और वो चली है वहाँ पे के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं, बट स्टिल आप देख सकते हैं टंकी मुझे इससे एक घंटा ज़्यादा मिला था, वो अभी घर आते आते कम हो गया। वो मतलब आप समझ सकते हैं खुद की, मतलब क्या ही चल रही है भाई वहाँ गाड़ी। पेट्रोल निकाल लिया, मानने को राजी नहीं है, मेरे पे बकायदा वीडियो पड़ी है, शोरूम के अंदर की वीडियो पड़ी है, सब पड़ा है, बट वो मानने को राजी नहीं है। अब मेरा उस समय कैमरे में एसडी कार्ड नहीं पड़ा था, वरना मैं रिकॉर्ड करता भाई। वो ऐसे लड़ने को राजी थे यामा की, बहुत गंदी बात लगी मुझे। एक ही शोरूम है इसका, मतलब तुम कुछ भी करोगे भाई, हमारे पूरे शहर में एक ही शोरूम है इनका। तो भाई आप मान नहीं सकते इतना गंदा रिएक्शन रहता है ना इनका, ऐसे हमने इनसे इनके पैसे उधार ले रखे हो और ये हमसे इनसे मांग रहे हैं ये हमसे पैसे, ऐसे रोएंगे कि सर हमने आपकी गाड़ी इतनी अच्छी सही करी है और आप हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। भाई मैं क्या इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, मैं किससे पूछूंगा मेरी गाड़ी टंकी फुल थी और मैं तुम्हें दे के आ रहा हूँ, वो इतनी कम मिली है, पैसे दिखा रहे हैं ऐसे बाद में पेट्रोल देने के लिए, ऐसे एहसान जता रहे हो भाई हम पे।